वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आइसक्रीम स्टिक से आप कोई भी क्राफ्टिंग करें या आप लोगों का उसके उससे कोई भी चीज़ें बनाएं। एक ये आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती हैं हमारे घर में आइसक्रीम वगैरह खाते ही रहते हैं, या ये बाज़ार से ले लें, ये 10 रुपये का इतना तो आता ही है, ठीक है। तो आपके अच्छे खासे से कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास है ये स्टिक्स काफ़ी हैं, और उसके बाद है ये पेंट, ठीक है। अब मैं ये पेंट इन स्टिक्स पर करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से करनी है। आप लोग एक ब्रश ले लें, उससे कर लें। तो जी ये मैंने ब्रश पे लगा लिया था, ये इस तरह से आपने लगा लेना है इस पर, ठीक है। नीचे कोई चीज़ बिछा लें ताकि कुछ गंदा ना हो, ठीक है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी भी लगा लें। यह मैंने कर लिया है, इसके ऊपर पेंट कर चुकी हूँ। उसके बाद अब हमने इसको कैसे रखना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। जैसे इस तरह से यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, इसको एक बॉक्स की तरह बनाना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कोई कोई टेढ़ी भी होगी उसको इग्नोर करना। उसके बाद ये इस तरह से बॉक्स सीधा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी क्लीननेस आएगी, नीटनेस आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको बना के अपनों को दिखाते हैं। बहुत सारे बना चुकी हूँ, ये कुछ और भी हैं वो भी बना चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको, मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पे बॉक्सेस लगा लिए, उसके बाद फिर यहाँ पे बॉक्सेस लगा लिए। ये थोड़ा सा इससे जो है ना आपकी नीटनेस आती है, जो आपकी ये दो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इससे आपकी नीटनेस आती है। जब आप ये वॉल पे लगाएंगे, अगर ये डार्क कलर है तो आप किसी लाइट कलर की वॉल पर लगाएंगे, अगर लाइट है तो फिर डार्क कलर की, ठीक है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं इसकी फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये हो चुकी हैं, मेरी जो रूम की वॉल थी वो लाइट कलर था, इसकी वजह से मैंने ब्लैक कलर का बनाया। अगर आपकी वॉल का कलर कोई डार्क कलर है तो आप उस पर लाइट कलर का भी बना सकते हैं, बट मुझे जो है स्किन कलर के हिसाब से ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये बना लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।